न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे परंजय गोठागुट्टा के साथ जो आज इकोनॉमिक सर्वे निकला है इसके बारे में। परंजय इकोनॉमिक सर्वे अभी हमारे सामने है, इसमें बहुत सारी चीजें कहा गया है अर्थशास्त्र से लेके एडम स्मिथ के बारे में जो हेल्थ वेल्थ ऑफ नेशंस लिखे थे फलाना धमाका, पर ठोस जो चीजें है इस वक्त सबको परेशान कर रहा है कि इकोनॉमी में स्टैग्नेशन है, इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन तक हो रहा है, नौकरियां नहीं है, संकुचित हो रहा है इकोनॉमी, खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका खास जिक्र नहीं है। सिर्फ नेहरू कितना गलत थे, सोशलिज्म कितना गलत था, इसके बारे में चर्चा ज्यादा है, और मोदी जी ने सब कुछ ठीक कर दिया, इसका लगता है कि इस व्याख्यान के अलावा खास ठोस चीजें देखने को नहीं मिल रहा है। प्रवीण, मैं ये जो आर्थिक समीक्षा जो आज संसद में पेश किया गया हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम ने, एक तरह से क्या बताऊं मैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, वो नोटबंदी को समर्थन किया था, वो सरकार का जो भी कमियां है कहने चाह रहे कि नहीं नहीं इतना खराब स्थिति नहीं है, और कह रहे कि ये करना चाहिए। एक तरह से जो दक्षिणपंथी जो अर्थनीति है आगे बढ़ाना चाहिए, बाजार का भूमिका कम होना चाहिए, सरकार ज्यादा होना चाहिए, सॉरी माफी मांग लो, सरकार का भूमिका कम होना चाहिए, बाजार का भूमिका ज्यादा होना चाहिए। अंबानी अडानी का नाम नहीं किया मगर कहा कि ये जो क्रोनीइज्म, ये जो यारानी पूंजीवाद, ये ठीक नहीं है, मगर किसी का नाम नहीं किया। और भी देखिए, कह रहे कि अगर हमारे देश में और हम जिस रफ्तार से बढ़ रहे और ज्यादा रफ्तार से नहीं बनेंगे तो जो जो संपत्ति हमने जो 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 वेल्थ क्रिएशन है हम आम आदमी को कैसे देंगे, मगर आज स्थिति क्या है, बेरोजगारी बढ़ गया। आप कह रहे मेक इन इंडिया के साथ असेंबल इन इंडिया भी करना चाहिए, अब ये भी कह रहे कि जो वित्तीय घाटा है ये शायद बढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आपका जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद जिस रफ्तार से बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। आप कह रहे कि हाँ आपका जुलाई से सितंबर 2019 में आपका जीडीपी ग्रोथ आप दिखा रहे 4.5%, फिर आप कह रहे पूरा वित्त साल में आपका 5% आपका बढ़ेगा, ये 10 साल में इस रफ्तार से ज्यादा बढ़ा है। आप कह रहे कि आने स्लोएस्ट ग्रोथ रहा है, ग्रोथ आप कह रहे आने वाले वित्तीय साल में जो पहला अप्रैल शुरू होगा हम 6.5% बढ़ेंगे। साथ साथ आप कह रहे कि आर्थिक संकट, एक विश्वव्यापी आर्थिक संकट चल रहे, पूरा विश्व में जिस रफ्तार से विश्व बढ़ रहे थे हमारे देश इसका असर पड़ा, भारतवर्ष में अब बड़ा निवेश जिस रफ्तार से होना चाहिए वो भी कम हो जाए क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में मंदी आए, तो एक तरह से सरकार जो जो किया है उसको तो समर्थन कर रहा है, ढाक ढोल पीता है, हाँ, मगर क्यों आज ये स्थिति में क्यों बेरोजगार आज इतना बढ़ गया है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कहा, और कोशिश किया कि आम आदमी के पास पहुंचाए कि एक थाली का खर्चा क्या होगा। वहां जब आप तुलना करेंगे, आप शुरू किया एकदम थाली नॉमिक्स करके एक पूरा एक चैप्टर आपने पूरा एक पन्ना दिया, वहां से आप कह रहे हैं कि अगर आप 2006-07 से 2019-20 को तुलना करेंगे, हाँ एक थाली के ऊपर जो है तो वहां 2006 पे चले गए, हाँ 2006 और ज्यादातर तो 2014 की बात, और जब क्रोनीइज्म की बात हो रहे तब 2014 की बात ही जो सब अच्छी अच्छी चीजें हुई है। दो चीजों की इस पे खास तौर से उल्लेख देखने को नहीं मिलता, एक तो है कि जो इनइक्वालिटी की जो मोनोपोलीज के खिलाफ अगर आप बात करेंगे तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ बात करेंगे तो लगना चाहिए कंपटीशन बढ़ रहा है कि मतलब और सारे पूंजीपति आ रहे हैं तो इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, पर जितने हमारे फिगर्स हैं उससे ये लगता है कि मोनोपोली पिछले 15-20 साल में लगातार उस पर कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ा है, घटा नहीं है। दूसरी बात ये भी बहुत अहमियत रखती है क्योंकि इस पर खास फोकस नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमारा उत्पादन के जगह मैन्युफैक्चरिंग के जगह पे हमें सर्विस इकोनॉमी पे जाना चाहिए, और आप जानते हैं सर्विस इकोनॉमी ज्यादातर दुनिया के दूसरे देशों के साथ लिंक्ड होती है, उत्पादन नहीं होगा बाहर की सर्विस नहीं होगा, सर्विस इकोनॉमी अपने आप के पैर पे खड़ा नहीं हो सकता है, उसको धड़ चाहिए। तो इसीलिए कह रहे कि ये जो असेंबल इन इंडिया के साथ
मेक इन इंडिया को जोड़ना चाहिए, और यही है एक रास्ता है नौकरी। कह दिया कि मैन्युफैक्चरिंग घटेगा, सर्विस सेक्टर पे हमें जोर देना चाहिए, ये भी कह दिया ताकि हमें मेक इन इंडिया और असेंबल इन इंडिया एक साथ करना चाहिए। देखिए मेरा कहना दो चीज है, बहुत समय एक पूरा चैप्टर लगाया कि सचमुच लोग हमारे आलोचना कर रहे हैं कि सचमुच हमारे देश के जो जीडीपी इस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे, तो वो ये डॉक्टर सुब्रमण्यम के पहले जो मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, एक और डॉक्टर सुब्रमण्यम डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम को कोशिश किया, उनका जो भी सलाह है, उनका जो भी सलाह नहीं, उनका जो भी कहना था कि हमारी जो जीडीपी 2.5% हम बढ़ा के दिखा रहे, कोशिश किया, नहीं 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 ये ठीक नहीं है, हमारे जो स्टेटिस्टिक सिस्टम है ये इतना खराब नहीं है, और बार बार वही हमारे वेदा में क्या कहा था, कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है, और ये सब बहुत समय लगाया इन्होंने कि तिरुवल्लूर का जो थिरुकुरल में क्या कहा है, एथिकल वेल्थ क्रिएशन कि आप नैतिकता से आप संपत्ति बनाइए, ज़्यादा रफ्तार से बने, ये है बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भी कहा कि भारतवर्ष जो समाजवाद में जो इंडियाज डलायंस विद सोशलिज्म कुछ दिनों के लिए, मैंने नेहरू के खिलाफ जो है काफी विशद बार इस आधार की नेहरू जी का नाम नहीं किया, नाम लिया जैसे अंबानी अडानी का नाम नहीं किया, मगर एक तरह से वही कहने की कोशिश में है हमारे डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। और जितने कह सकते हैं कि जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के जो बिंदु है सब उन्होंने टच किया कह के तारीफ करते हुए, मार्केट्स को बढ़ा देना चाहिए, आप इसको सरकार की सिर्फ इंटरवेंशन तब होना चाहिए जब कोई खास जरूरत पड़े, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो जो ये एक समझ है, मार्केट अपने आप कॉम्पिटिशन सृष्टि करता है, मार्केट का कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इतिहास दूसरी चीज बताता है कि मार्केट अगर छोड़ देंगे तो लगातार मार्केट के अंदर मोनोपोली बढ़ेगा जो हम देख रहे हैं, तो इसका कोई जिक्र यहाँ नहीं है। तो पूरी तरह से इसको कह सकते हैं एक मार्केट फंडामेंटलिज्म का एक चित्र यहाँ पेश किया है इकोनॉमिक्स। देखिए हम एक और दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, जो भी आज सरकार का जो आर्थिक नीति, आर्थिक कार्यक्रम, आर्थिक जो सारे जो कार्यक्रम सरकार ने किया पिछले 5.5 साल में, इसका टिप्पणी किया, ये जो आर्थिक समीक्षा, ये मोटा 1-2 वॉल्यूम का किताब, उसका एक लक्ष्य है, ये जो टिप्पणी आप लोग कर रहे हैं आप ठीक तरह से नहीं कर रहे, एक तरह से दूसरों का जवाब देने के लिए ये आर्थिक समीक्षा आज डॉक्टर कृष्णमूर्ति सब डिबेट का एक हिस्सा है। और सरकारी दृष्टिकोण इकोनॉमिक सर्वे एक हिसाब से जब इकोनॉमिक एडवाइजर एक चीफ इकोनॉमिस्ट करता है, ये कुछ हद तक एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है बताने के लिए सरकार को क्या क्या ब्रॉड चीजें सर्वे में निकल के आया है, पॉलिसी इसके बाद बजट में आता है क्या इंटरवेंशन होना चाहिए। ये तो हम शनिवार का दिन ही हमें मालूम पड़ेगा, मगर जो 2-3 हम नहीं, मैं आपको एक चीज कोट करना चाहते थे, सेकंड रिफ्लेक्टिंग इंडियाज न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंपैरेटिव एडवांटेज इन द सर्विसेज सेक्टर, न्यू फर्म क्रिएशन इन सर्विसेज इज सिग्निफिकेंटली हायर देन इन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर। तो ये जोर दे रहे हैं इस बिंदु पे कि हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज है मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सेवा क्षेत्र में। तो मैं वही कह रहा था, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर अपने आप खड़ा नहीं होता, सेवा जो दी जाती है किसी और चीज की दी जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज करके अब ये तो दुनिया को सर्विसेज करे, यहाँ तो अंदरूनी सर्विसेज करे, पर आपका जो वेल्थ क्रिएशन की जब बात आती है, इट इज अब हु बिकम्स रिच, समाज के सार्विक जो वेल्थ होता है वो कैसे बढ़े, इसके बारे में इसका क्या कहते हैं एक बैंक्रप्सी दिखाई पड़ता है। देखिए ये जो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनका उम्र कम है, इस उनके पहले जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनको उम्र उससे ज़्यादा थे, उन्होंने मैंने जैसे पहले शुरू किया नोटबंदी को समर्थन किया, तो एक तरह से जो सरकार चाह रहे थे ये बहुत एक तरह से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक जटिल भाषाओं में आप अर्थशास्त्री को समझाने के चाह रहे कि सरकार जो जो कर रहे ठीक कर
मगर आप ये नहीं बता रहे कि क्यों आज ये स्थिति आ गया, क्यों 45 साल में बेरोजगारी सबसे ऊपर चला गया। नहीं, आप कह रहे कि हाँ सरकार जब इंटरवेंशन किया तो प्याज का दम कम हो गया। और एक और जगह में किया, क्या ज्यादा सरकार, अगर बाजार के अंदर सरकारी इंटरवेंशन होगा ये ठीक नहीं है। तो एक तरह से आप दोनों साइड को खेलने के लिए एक सुब्रमण्यम जी को लीपापोती कहते हैं, व्हाइट वॉश कहे जो भी कहे, लीपापोती करने की कोशिश किया। पारो जाए, हम इस चीज पे और भी बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो इकोनॉमिक सर्वे पूरी तरह से हमें दो मोटे मोटे वॉल्यूम्स को पढ़ने हैं, इसके बाद क्या फाइन प्रिंट पे क्या कहा है उसको पढ़ने की जरूरत है। पर मूल चीज इस पे कोई दिशा नजर नहीं आता कि क्यों हम इस वक्त स्टैग्नेशन में हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेशन में है, हमारी क्यों जो अदर इंडिकेटर्स है क्यों नीचे आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से लेकर हर चीज, उसके साथ साथ जो आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, खास तौर से जिसको फूड इन्फ्लेशन है, जिससे आम लोग परेशान होंगे, और नौकरियां जो आपने पहले भी जिक्र किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसका कोई जवाब और इसके ऊपर क्या पॉलिसी होगा, क्या इंटरवेंशन एग्रेसिवली सरकार कर सकती है, इसके बारे में नहीं है। ये सिर्फ यही बताया जा रहा है मार्केट विल टेक केयर ऑफ इट, मार्केट इसको सब सुधार देगा, सिर्फ अगर पूंजीपतियों को हम खेलने देते हैं और मार्केट फोर्सेस को खुला छूट दे देते हैं तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। यही मंत्र बार बार इस डॉक्यूमेंट में किया गया है, लगता है। फाइन प्रिंट देखेंगे, आपके पास फिर आएंगे समझाने के लिए, हम हमारे दर्शकों को इस फाइन प्रिंट के अंदर क्या कुछ चीजें मिलेगा जिससे देश की प्रगति पहले की तरह रह सकती है, और जो सोशलिज्म के बारे में इनका जो समझ है वो एक दिन बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद प्रणजय हमारे साथ होने के लिए, आज इतना ही। न्यूज क्लिक में देखते रहिएगा न्यूज क्लिक।